हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कुछ ऐसी खौफनाक घटनाएं जिन्हें देख आप अंधेरे से भी डरने लगोगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज की पहली वीडियो पिछले साल सऊदी अरेबिया में इतनी ज्यादा वायरल हुई कि लोकल न्यूज चैनल्स ने भी इसे प्राइम टाइम में ब्रॉडकास्ट किया। कहानियों के अनुसार जजान शहर में रहने वाले लोगों को काफी समय से बंद पड़े वाटर टैंकर के अंदर कई तरह की रहस्यमय आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक रात जब कई लोग इकट्ठा होकर टैंकर को इन्वेस्टिगेट करने पहुंचे तो वहां चीजें एक बेहद ही अजीब मोड़ ले लेती हैं। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن والله ما يصح بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله ندرا قدني التفت يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين। लोगों ने स्थानीय प्रशासन को भी इसके बारे में सूचित किया, मगर जब तक वे वहां पहुंचे आवाजें थम चुकी थीं। उन्होंने भीतर जाकर भी चेक किया लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिला। بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم। यूट्यूबर मेलोबर्ड का कहना है कि वे पिछले 11 सालों से एक बेहद ही ज्यादा हॉन्टेड हाउस में रह रहे हैं और अपने इन बातों को साबित करने के लिए उनके पास काफी ज्यादा सबूत भी मौजूद हैं। इस अगली वीडियो में जब मेलोबर्ड को अपने रसोड़े से सामान के गिरने की आवाजें सुनाई दी तो उन्होंने अपना कैमरा उठाया और किचन की रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। Okay, thank you. So, move something else. Okay. I said move, not break. इसके बाद उन्होंने कैमरे को रात भर पूरे किचन की रिकॉर्डिंग करने के लिए छोड़ दिया ताकि वे ये देख सकें कि उनकी गैर मौजूदगी में वहाँ क्या होता है। हालांकि जो भी कुछ वहाँ घटता है वो ठीक नहीं था। अब ये रहस्यमय घटनाएं केवल उनकी रसोई तक ही सीमित नहीं है बल्कि उनका तहखाना भी इतना ही ज्यादा हॉन्टेड है। इसीलिए उन्होंने वहां एक नाइट विजन कैमरा सेट कर दिया और कुछ वक्त बाद उसमें ये कैद हुआ। That was right by my head, so I'm kind of blocking. I don't know if I should get out of the way. I'll just stick my head up over there so you guys can see more. Alright. The decision has been made. Oh, there goes the... Oh, wait.
एटिक को हिला देने वाली कुछ जोरदार बैंग्स के बाद मैलोबर्ड वहां से निकलना ही बेहतर समझते हैं। What the heck? Oh my God. तो क्या उनके रसोड़े में भूत था और एटिक में भी, या ये बस एक मजाक है, वो भी 11 साल से चलता आ रहा। पॉपुलर स्नैपचैट गोस्ट हंटर हसन बरबार लंबे समय से बंद पड़े एक जॉर्डन हाउस की एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि इस घर का मालिक रोमानी नाम का एक दुष्ट आदमी था जो यहाँ अपने नौकरों के साथ रहता था। कहा जाता है कि इस आदमी की शैतानी प्रेत आत्मा अब अपने मर चुके सर्वेंट्स के साथ इस घर को हॉन्ट करती है और इन्हीं में से एक सर्वेंट की आत्मा कोई गहरी अंधेरी लड़की जैसी नजर आती है जिसका कोई भी चेहरा नहीं है। घर में घुसते ही हसन को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिन्हें सुन उन्हें रियलाइज हो जाता है कि रूहों को उनकी मौजूदगी का एहसास हो चुका है। خايف يجيني الزلمة أو يكون هون موجود ما بعرف اسمع في صوت اسمع 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 والله العظيم في صوت يا إخوان والله بس جد يا إخوان موقع بسم الله مش عارف بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم طلعوا اخوان حسن کو ایک لڑکی کی ڈراونی آواز گھر کے ہی کسی کونے سے سنائی دیتی ہے اور پھر کچن کیبینٹ کا دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے مگر بھیانک گھٹناؤں کا سلسلہ تو ابھی باقی تھا والله العظيم يا اخوان طلع صوت السؤال اللي فوق وحياة الله في إشي غريب في المكان يا أخوان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أنا خايف إن شاء الله ما يكونوا ينزلوا بقبضين بسم الله الرحمن الرحيم باب سكر वही किचन कैबिनेट बिल्कुल उनके सामने हिलता है और एक कमरे के स्लाइडिंग डोर के बंद होने की आवाज हसन को चौंका देती है। वे थोड़ी देर के लिए इन्वेस्टिगेशन रोककर बाहर जाने का तय करते हैं, मगर जब वे वापस लौटते हैं तो चीजें और भी भयानक हो जाती हैं। اخوان انا طلعت برا شوي انا راسي كثير وجعني والله العظيم خاصه المكان هون هذا بسم الله في حد هون طب هون هون شوفي خوان والله في اشي وحياة الله شوف طب ليكون هاي عكسي هاي 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 والله العظيم انه في اشي موقف جوا يا اخوان وحياة الله اسمع انا بقولكم انا بقولكم بسم الله الرحمن الرحيم وانا والله العظيم انه انا انجنيت من الغرفة هاي بسم الله بدي احكي لكم تاخر نشوف كمان مرة يا اخوان اذا في اشي هاي انا يا اخوان اخوان والله العظيم انه في اشي جوا هي والله العظيم انه في اشي نرجع نعمل هيك بسم الله نرجع هيك اخوان انا انهبلت من هاي وحياة الله انهبلت कांच की खिड़की की दूसरी तरफ एक लड़की की आकृति काले कपड़ों में खड़ी हुई दिखाई देती है, पर जब हसन तेजी से उस जगह को अंदर से देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता।
ये रहस्यमय आकृति हवा में ही कहीं गायब हो जाती है। सो आपके हिसाब से ये लड़की क्या थी? घर में मंडराती एक गुस्सैल आत्मा या उससे भी भयानक कुछ और? गोस्ट हंटर टोनी फर्किंसन ने इस रहस्यमय घटना को अपने एक स्टैटिक कैमरा में कैद किया जब वे बार्डमैन जेल यूके में एक एक्सप्लोरेशन को अंजाम दे रहे थे। एक ब्लैक फिगर गलियारे के बीचों बीच गुजरती हुई दिखाई देती है। अब हो सकता है कि ये कोई टोनी की टीम का ही एक सदस्य हो, लेकिन अगर इस जगह की पॉपुलैरिटी का अंदाजा पैरानॉर्मल कम्युनिटी की नजर से लगाया जाए तो ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि ये एक असली पैरानॉर्मल एंटिटी है। पैरागुआन राजधानी असुनसियोन में स्थित एक घर कासा देल टेरोर स्थानीय लोगों द्वारा प्रेत आत्माओं का गढ़ कहा जाता है। मौजूदा वक्त में खंडहर हो चुके इस घर का इतिहास बहुत लंबा और भयानक है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 6 लोगों को क्रूर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था। साल 2018 में एक औरत, उसके 2 बच्चे और उसके माता पिता उसी औरत के पति के हाथों अपनी जान गंवा बैठे और बाद में उस आदमी ने खुद की भी जान ले ली। बेवजह की गई इन हत्याओं की घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और यही से इस जगह को नाम मिला कासा देल टेरोर, यानी शैतानों का घर। इस बिल्डिंग के सामने से रेगुलरली गुजरने वाले बस ड्राइवर्स का कहना है कि उन्हें यहाँ एक अजीब सी परछाई रूपी आकृति दिखाई देती है जो अक्सर देर रात के वक्त बस को रोकने की कोशिश करती है, मगर जैसे ही वे ब्रेक लगाते हैं तो वो फिगर एकदम से उनकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। बस ड्राइवर्स ये भी दावा करते हैं कि बारिश के मौसम में बच्चों के रोने और चीखने की आवाजें घर के अंदर से आती हुई सुनाई देती हैं। कासा देल टेरोर और वहां होने वाले स्ट्रेंज एक्टिविटीज को कई सारे न्यूज चैनल्स ने भी कवर किया है, जिनमें से एक है C9 एंड पैरागुआन न्यूज नेटवर्क द्वारा की गई ये रिपोर्टिंग। संवाददाता अलहांद्रा परेरा और उनके कैमरामैन जब हॉन्टेड हाउस के टूर को टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे तो अनजाने में वे अपने कैमरे में कुछ बेहद भयानक कैद कर लेते हैं। Estilo colonial, bastante antigua esta casona. Alejandra, adelante. Sí, muchísimas gracias, Silvio. Ya nos encontramos en el interior justamente de esta denominada Casa del Terror aquí sobre Oliva y Montevideo para hacer un recorrido con el compañero Derlis, que también estuvo en el momento que ocurrió esto, ¿verdad? Y nos va a poder también... Fue en ese baño, Alejandra, donde se había realizado, digamos, el entierro de los 4 cuerpos de las 2 mujeres y de las 2 criaturas. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente los cuerpos de las mujeres, en este caso, Silvio, según las informaciones que también estamos manejando, porque parte de otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Ajá. क्या आप सुन पाए? जब अलहांद्रा लाशों के बारे में बता रही थी तो कई सारी भयंकर आवाजें बैकग्राउंड में क्लियरली सुनी जा सकती हैं। वहां मौजूद न्यूज क्रू का कहना है कि उन्हें ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दिया, मगर घर में बैठकर लाइव रिपोर्ट देख रहे व्यूअर्स काफी सकते में थे। हजारों लोगों ने न्यूज चैनल से कॉन्टेक्ट किया और उनसे सुनाई दे रही रहस्यमय चीखों की एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा। C9N न्यूज की टीम ने भी यही किया और कुछ ही समय बाद ओरिजिनल वीडियो को क्लीन करके उन्होंने ये पोस्ट किया। Vamos a llegar hasta aquí, hasta una de las máquinas donde nos tocó escuchar parte del archivo completamente en bruto. Lorena, ¿me puedes explicar lo que vamos a escuchar a continuación, los sonidos también por sobre todo? Sí, bueno, lo que les voy a poner ahora es el sonido del ambiente que capta la cámara con el sonido del micrófono, porque nosotros recibimos los enlaces acá con canales diferentes, entonces eso se puede separar sin problema. Porque parte de otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que vamos a compartir también a continuación, Lorena?
Voy a poner el sonido ambiente que captó la cámara. Solamente el sonido que entra por la cámara en sí y no por el micrófono que estaba teniendo en ese momento también nuestra compañera Alejandra Pereira. Si podemos ya reproducir y llegar al momento exacto en el cual se estaba dando lo que eran estos gritos. Ahí está. Porque parte del otro de los cuerpos justamente también se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en ese momento. तो आपके हिसाब से ये चीखे क्या हैं? क्या ये मर चुके लोगों की आत्माएं हैं जो आज भी मदद की गुहार लगा रही हैं, या ये बस एक झूठ है? आप खुद ही तय कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। और बोनस क्लिप से पहले मैं सभी सपोर्टर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने भी चैनल मेंबरशिप ज्वाइन की, खासकर मेरे सबसे बड़े सपोर्टर्स जॉन सिन्हा, लाइट यागामी और एनडीसी हुगली। थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट। और इसी के साथ अब वक्त है आज की बोनस क्लिप का, जिसमें एक व्यक्ति को जब किसी खाली पड़े अपार्टमेंट से कुछ हलचल की आवाजें सुनाई देती हैं, तो वे अपने नाइट विजन से वहां की चेकिंग करने पहुंच जाता है। हालांकि अंदर जाते ही उसके साथ जो वहां घटता है वह काफी भयभीत कर देने वाला था। तो अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।